खेल विधि और कल्याण संघ तथा अखिल भारतीय शारीरिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वेबिनार में मैं अपनी शुभकामनाएं सभी वक्ताओं के प्रति और जो इस वेबिनार को सुन रहे हैं उन सभी खिलाड़ियों के प्रति उनका स्वागत करता हूं और उनका आभार भी व्यक्त करता हूं। वास्तव में यह एक ज्वलंत प्रश्न रहा है देश के खिलाड़ियों के सामने कि जब भी कभी भी खिलाड़ियों के सामने कोई विवाद राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आया तो उसके समाधान का कोई भी मंच अभी तक आकार नहीं ले सका। ये शायद आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा कि वो इस अनिश्चितता को दौर को खत्म होते देखना चाहेगी और साथ में अपेक्षा करेगी कि वास्तव में ऐसे खिलाड़ियों के विवादों को निपटाने के लिए किसी ना किसी पंचायत का अस्तित्व देश में होना ही चाहिए। मुझे अच्छे से स्मरण है कि 30 जून 1984 को खेल पंचायत अभिकरण का गठन भारत में हुआ था और 1986 में उसके 2 वर्ष बाद जब ओलंपिक परिषद की आम सभा हुई थी तो उसके संबंध में भी नियमों को अंतिम रूप देने की एक कोशिश हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कदम इस बारे में आगे नहीं बढ़ा। मुझे ये भी ध्यान है कि जब हम कुछ लोग बैठे थे दिल्ली में और उसमें जस्टिस अहमदी साहब भी उस बैठक में आए थे और उसके बाद जब मैं 1999 में सांसद था तो मैंने पहली बार पंचायत देश में होना चाहिए इस बात का संसद में प्रश्न उठाया। जब भी मुझे अवसर मिला तो मैं खिलाड़ियों के इस विवादों का समाधान मिले इस बात पर मैं कोशिश करता रहा। दुती चंद का 2014 का जो मामला है वो इस बात का स्पष्ट संकेत है। यदि भारत में कोई पंचायत जैसी व्यवस्था खेल पंचायत जैसी व्यवस्था होती तो शायद हमको अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाने की जरूरत ना पड़ती या स्वयं खिलाड़ी को वहाँ अपील करने के लिए जाना पड़ता, ऐसी स्थिति नहीं आती। दूसरा, मैं देश के भीतर की अगर बात करूँ तो श्रीसंत जैसे मेधावी क्रिकेट प्लेयर को जब उन पर ये आरोप लगे तो जब उनके पूरे खेलने का समय था वो उस विवाद के निपटारे के समय ही खत्म हो गया। एक खिलाड़ी बामुश्किल अपने जीवन में सफलता के उस चरम पर पहुंचता है। आरोप सही हो या गलत हो, इनके फैसले करने का अगर कोई मंच ही ना हो तो स्वाभाविक है कि षड्यंत्रों के कारण भी लोगों के जीवन को नष्ट किया जा सकता है या उसे भी इस बात का मलाल होगा कि अगर भूल से भी कोई गलती हुई और उसको न्याय ना मिल पाया तो जीवन में ऐसे अवसर शायद आदमी की ज़िंदगी में एक बार ही आते हैं और वो चले जाए ये शायद न्याय नहीं होगा। मैं अपेक्षा करता हूँ कि सब मिलकर बड़ी शालीनता के साथ इस गंभीर समस्या के बारे में विमर्श करेंगे और मेरा विश्वास है कि सरकार इस बारे में ज़रूर सकारात्मक रूप से सोचेगी। मैं भी खेल मंत्री जी को इस बात के प्रति अपना तरफ से अपने उत्तरदायित्व को पूरा करूंगा, उनके ध्यान में इस बात को लाऊंगा। इस वेबिनार में सकारात्मक चर्चा हो, नियमों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वय बन सके और उसके मंच हों, इस बारे में मैं चाहूंगा कि ये विमर्श एक अच्छी जानकारियां समाज और सरकार को देगा। विशेषकर खेल परिवार से जुड़े सभी बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए मैं अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम।